सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल होड़े चने की एक ऐसी मुनफरिद सी रेसिपी लेके आई हूँ जो हम अपने किचन की चीज़ों से ही बना के तैयार कर लेंगे और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही मुनफरिद है, बहुत ही मज़े का। आप इस रेसिपी को बनाएं और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। फ्रेंड, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। ये यहाँ पे मैंने एक पाव चने लिए हैं, इसको मैंने रात को भिगो के मीठा सोडा लगा के सुबह इसको मैंने 15 मिनट प्रेशर दिए तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, इस इनको गला के मैंने रखा हुआ है। एक प्याज लिया मैंने दरमियाने साइज का, उसको मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेट किया और इसको रख लिया। इसमें 3 टीस्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मैंने हाफ प्याली योगर्ट लिया, दही लिया हाफ प्याली। यहाँ मैंने एक छोटे साइज का आलू लिया और साथ में हाफ कप मैंने यही बॉयल चने इधर रख लिए, इनको इनका भी पेस्ट बनाना है। और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें है 1 टीस्पून, ये देखें, ये 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं और यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए। साथ में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 कप ऑयल है और ये 2 ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने अपना 1 कप ऑयल डाला है। इसमें मैं लहसुन अदरक के जो पेस्ट है वो डालती हूँ और इसको अच्छे से भून लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, बर्तन अच्छी तरीके से साफ़ किया करें। इनको मैंने अच्छे से भून लेना है और इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून जो है वो अपना ज़ीरा डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, और इन सब चीज़ों को मैं पानी खुश्क होने तक पकाऊँगी। ये देखें फ्रेंड्स, इनका जो पानी है वो ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। अब मैं इसमें अपना जो ऑनियन है, एक मैंने ग्राइंडर किया हुआ है, इसको डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, तो अब इसका मैं पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊंगी। इसको भी, इसका भी पानी अच्छे से ड्राई करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है पानी है खुश्क हो गया। अब हम इसमें खुश्क मसाले डालते हैं। तो ये हमारी है लाल मिर्च, ये है नमक, ये सारे मसाले मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। आप अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स डाला, 1 टीस्पून ब्लैक मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इनको 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लें। अच्छे तरीके से इसको 2 मिनट तक भूनना है और फ्लेम आपने लो ही रखना है कि ये जल ना जाए हमारा मसाला। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी डाल लें। लेकिन ये देखें, आप इसको 2 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। और जो मैंने आधी प्याली चने और एक पोटैटो रखा था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब वो उसका जो है पेस्ट मैं अपने इन चनों में, इस मसाले में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये मैंने सारा पेस्ट जो है इसमें डाल दिया। आप हर चीज़ अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मेथड यही रखना है जिस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, आपने इसी तरह ये सारा काम करना है, तो फिर आपके परफेक्ट चने बनेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा फिर से ऑयल ऊपर आ गया है, हमने इसको भी अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें हाफ प्याली दही डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, मैंने इसमें हाफ प्याली दही डाल के अब इसको भी भून लूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे जो मसाले ने वो ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें मैं अपनी एक बड़ी जो इलायची है वो डालूंगी, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 ग्रीन इलायची मैंने छोटी इलायची जो है वो, और ये अपने जो गर्म मसाला है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून जो मेरा सूखा धनिया पाउडर, इसको डाल के तो मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखेंगे, सारा कुछ मैंने डाल के मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं अपने चने, उबले हुए चने डाल दूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, अब मैं इसमें अपने उबले हुए चने डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे इसमें मैंने अपने चने डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इनको थोड़ी देर भूनूंगी। तो देखें फ्रेंड्स, ये हमारे अच्छी तरह से चने भून गए। अब इसमें मैं 1.5 कप पानी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो पानी है जिसमें हमने चने बॉयल किए हैं। तो इसको बिस्मिल्लाह, ये देखें, इसको मिला दें और इसमें अब हम 1 कनौर क्यूब डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, अब मैंने इसको डाम के रखा था ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और चने का पानी अच्छी तरह पक जाए। अब हम देखते हैं, तो बिस्मिल्लाह, देखें कितना प्यारा हमारा ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है ना वो कसूरी मेथी डालते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है और इसका जो फ्लेम है वो लो कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे ऐसे। तो ये देखें, अब हम इसमें थोड़ा सा ये सब्ज़ मिर्चें ऊपर ग्रीन काट के डालते हैं थोड़ी सी, ये ऐसे, और ऊपर थोड़ा सा धनिया डालते हैं। हमने इसमें के ऊपर मिर्चें डाल दी हैं, धनिया, इसको हम 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स,
हम दम पे ये 3 मिनट हो गए, अब हम दिखाते हैं आपको। तो देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे हमारे चने बन के तैयार हुए। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के उसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 4 जो है रेड चिली हैं जो मोटे वाली, उनको मैंने गर्म करके इसके ऊपर डालती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें बिस्मिल्लाह से कितने प्यारे हमारे चने बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारे लाहौरी चने बनके तैयार हो गए, कितने मज़े, कितने खूबसूरत बनके तैयार हुए हैं। आप इसको चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्जी खाएं, आपका दिल हो उसके साथ खाएं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। तो प्लीज़ आप जस्ट वॉच मत किया करें, मैंने आगे भी आपसे रिक्वेस्ट की है, आप जस्ट वॉच मत किया करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर किया करें और इसको सब्सक्राइब भी किया करें।